अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे अपसेल टेक्निक की। बेसिकली अपसेल क्या होता है? अपसेल का मतलब ये होता है कि आप एक सर्विस बेच रहे हैं, उसके साथ उसके रेलेवेंट जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी आप क्लाइंट को ऑफर कर दें। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, अगर क्लाइंट ने मुझसे एक वेबसाइट डेवलपमेंट करवाई है, कोई भी वेबसाइट बनवाई है अपने बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली बात है उसने अपना बिजनेस डिजिटलाइज किया है, अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाई है। अब ऑब्वियसली बात है उस बिजनेस की उसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी करवानी होगी, SEO भी करवानी होगी, ठीक है। उसके अंदर लेट्स सपोज मैं उसे ऑफर कर सकता हूँ कि मैं लाइव चैट सिस्टम इंटीग्रेट करके दे सकता हूँ आपके लैपटॉप, आपके वेबसाइट के अंदर के यूज़र आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है, और इस तरह की जो है चीज़ें मैं उसे ऑफर कर सकता हूँ। अब मेरा मेन काम तो वेबसाइट डेवलपमेंट करके देना था उसने, जिसके लिए मुझे हायर किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं उसे ये प्रपोज कर सकता हूँ कि मेरे पास ये सर्विसेज भी हैं, आप चाहें तो इन सर्विसेज के लिए मुझे हायर कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज उसने आपसे वेबसाइट बनवाई है, अब उसको मार्केटिंग के लिए कुछ ब्रोशर्स या फ्लेयर्स बनाने हैं, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो बात आ जाती है कि आप कहोगे कि अब मुझे तो वो चीज़ आती नहीं है, फ्लायर बनाना, ग्राफिक का काम मुझे नहीं आता, मार्केटिंग का काम नहीं है, तो मैं तो एक वेब डेवलपर हूँ, या सिमिलरली आप कहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे तो वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग आती नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट से लेट्स सपोज $100 के अंदर वो काम लेते हो, तो उसको आउटसोर्स कर सकते हो अपने किसी भी फैलो के साथ। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के हैं, अगर आपने क्लाइंट के साथ वो $100 के मतलब $100 का सेल किया है, उसे कहा कि ठीक है $100 के अंदर मैं आपको आपका फ्लेयर बना दूंगा या आप लोगो बना दूंगा, तो अब क्लाइंट ने आपको $100 पे किए, अब वही काम आप मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग लोकल फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, वो आपको $30 के अंदर, $20 के अंदर, $40 के अंदर करके दे देंगे, और ऊपर वाला जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, सिंपल विदाउट डूइंग नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल आपने अपना काम जो है पहले अपसेल किया, क्लाइंट को पिच किया, बताया कि ये सर्विसेज भी मैं ऑफर करता हूँ, और उसके बाद वो जो काम आया वो आपने आउटसोर्स कर दिया किसी और बंदे को, और वहाँ से करवा के क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, और बीच में आपने अपना जो है वो कमीशन वो रख लिया। तो आई होप आपको समझ आई होगी अपसेल और आउटसोर्सिंग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी, और आपकी जो प्रोजेक्ट की अमाउंट है अगर वो $100 उसको $200 किस तरह से कर देंगी। तो आई होप आपको समझ आएगी। कोई भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।